राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे पूर्व की जो हमारी सीरीज चल रही है टैटू की, उसी में कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के विषय में। किस प्रकार का टैटू इनके लिए भाग्यकारी रहेगा, यानी भाग्य को उदय करने वाला। कर्म के साथ साथ हमें भाग्य की भी अति आवश्यकता है। केवल कर्म से ही हम अपने जीवन को नहीं जी सकते, साथ में भाग्य भी हमें चाहिए। जब कर्म के साथ भाग्य का सहयोग मिलता है तो जीवन में अत्यंत आनंद आता है। अन्यथा कर्म यानी केवल संघर्ष व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोक देता है, कहीं ना कहीं उसके मनोबल को कम कर देता है। यदि भाग्य का सहयोग प्राप्त हो तो निरंतर व्यक्ति उन्नति प्रगति करता है। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन शुक्रवार अधिक आश्विन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शाम 5:48 तक रहेगी। इसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र आर्द्रा रात्रि 12:25 तक रहेगा। इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग परिग करण भव और बालव। राहुकाल का समय प्रातः 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:36 से आरंभ होकर 12:22 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। शाम को शुभ समय 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक। तिथि के अनुसार आज ताड़ के फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना उसका सेवन करना चाहिए। दिशा सूल आज पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें, यात्रा अति अनिवार्य है। दूध बिगड़ जाए मंगल में रहेगी। चलिए दर्शकों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के विषय में। कैसा टैटू इनके भाग्य को जगाने वाला रहेगा, किस रंग का, किस कलर का। क्योंकि जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने इस प्रकृति को बनाया है, उसी ने प्रत्येक आकृति को बनाया है। प्रकृति से ही आकृति जुड़ी हुई है और आकृति से ही प्रकृति। तो इस चराचर जगत में, इस प्रकृति में जो भी आकृति है उसका एक फल निश्चित है, उसकी एक एनर्जी निश्चित है, उसकी एक ऊर्जा निश्चित है। तो इसलिए हम सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न आकृति का प्रयोग हम अपने शरीर पर करते हैं तो निरंतर हमें लाभ की प्राप्ति होती है। कई लोग अज्ञानतावश, भूलवश या विषय का ज्ञान ना होने से, अनभिज्ञता के कारण किसी भी आकृति को अपने शरीर पर गुदवा देते हैं तो देखते हैं जीवन में संघर्ष आरंभ हो जाता है। लेकिन पूर्व में हम अपनी कुंडली दिखाकर या राशि के अनुसार भी हम टैटू अपने शरीर पर गुदवाते हैं तो उसका अच्छा लाभ हमें प्राप्त होता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा जो भाग्य भाव है, नवम भाव है, वह उन्नति प्रगतिदायक हो जाता है, ऊर्जा से संपन्न हो जाता है। क्योंकि दशम भाव यानी हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन नवम भाव का हमें सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। जीवन में जब हम जीते हैं, लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सपोर्ट करने वाला जरूर चाहिए। केवल अकेले हम इस दुनिया की भाग दौड़ में शामिल हो तो कभी ना कभी हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला है, ऊर्जा को देने वाला है, कोई हमारा सहयोग करने वाला है तो वह है हमारा भाग्य भाव, नवम भाव। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए। जीवन में जब भी संघर्ष चल रहा हो तो एक बार विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली पर विवेचन अवश्य करवाना चाहिए। लेकिन इसी सीरीज में हम आपके लिए सुलभ और सहज तरीके से वीडियो लेकर आए हैं। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों के विषय में। कुंभ राशि वाले जातक अगर भाग्य का अच्छा सहयोग चाहते हैं कि भाग्य हमारा साथ दे, हम कर्म कर रहे हैं लेकिन भाग्य का हमें सहयोग प्राप्त हो तो निरंतर उन्नति हो, अच्छी उन्नति हो और शीघ्र उन्नति हो, तो इसके लिए आप नीले या हरे रंग के टैटू का प्रयोग अपने शरीर पर आप कर सकते हैं, अपने हाथ पर बनवा सकते हैं। क्योंकि और शरीर पर अन्य जगह बनवाने से अच्छा है आप हाथ पर बनवा सकते हैं, राइट, सीधे हाथ पर। अगर आप पुरुष हैं तो सीधे हाथ पर, लेडीज हैं तो आप बाएं हाथ पर। तो आप हरे या नीले रंग का टैटू बनवा सकते हैं लेकिन उसमें आकृति आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। कोई आप नंबर ले सकते हैं, लकी नंबर जो आपकी कुंडली के अनुसार, नामांक के अनुसार बनेगा, लकी नंबर आप ले सकते हैं अपना, या आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। क्योंकि किसी और का नाम लिखवाएंगे तो उसकी एनर्जी किस प्रकार की है
तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ेगा, क्योंकि टैटू हमारे मन, स्वभाव और व्यक्तित्व को दर्शाने वाला है, क्योंकि टैटू में हमारा एक भाव निहित होता है। तो इसलिए बड़ा ही सोच विचार करके आप टैटू को अपने शरीर पर गुदवाएं। एक बार डॉक्टर से भी आप पहले पूर्व में सलाह ले सकते हैं कि कोई त्वचा से संबंधित समस्या उत्पन्न ना हो। एक ज्योतिषी से भी आप संपर्क कर सकते हैं ताकि और अच्छा बेनिफिट आपको प्राप्त हो कुंडली के माध्यम से, तो कुंडली का विवेचन आप करवा सकते हैं। ऐसे ही चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के विषय में। मीन राशि वाले जातक भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं, अपने लक का सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको गोल्डन या ऑरेंज रंग का टैटू अपने शरीर पर बनवाना चाहिए, यानी अपने हाथ पर। हाथ पर आप गोल्डन रंग या आप ऑरेंज रंग का टैटू बनवाते हैं तो अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपका नवम भाव जागृत हो जाएगा, और जब नवम भाव जागृत होगा तो दशम भाव को सपोर्ट करेगा, यानी कर्म क्षेत्र को। जिस क्षेत्र में भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें भाग्य का अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा, और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो आप क्यों उन्नति नहीं करेंगे, यानी अवश्य ही आप उन्नति करेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र व्यक्ति के कर्म प्रधान का है, यानी कर्म तो आपको प्रत्येक कार्य में करना ही पड़ेगा, चाहे आप व्यवसाय वाले हैं, चाहे आप नौकरी वाले हैं, या ए टू जेड कोई भी कार्य आप करते हैं, यानी कर्म कर रहे हैं। लेकिन उन सभी कर्मों में यदि आप भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आप देखेंगे संघर्ष कम है, यानी कम परिश्रम में अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। तो क्या है वो? वह भाग्य है, वह आपके भाग्येश जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको सहयोग कर रहे हैं, जो आपकी सहायता कर रहे हैं, ऐसे प्लैनेट, ऐसे ग्रह। तो हमारे ऋषियों और सनातन परंपरा में ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही अद्भुत विषय है। इस पर गहन शोध करने पर हमें गूढ़ रहस्यों का पता चलता है, अनुभव होता है, और जब हमें अनुभव होता है तब हम इसका प्रचार और प्रसार करते हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञानप्रद वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और निरंतर आप वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल बनाकर रखिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।